अस्सलामुअलैकुम सम्या, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, हाय, कैसी हैं आप? हाय, या आते ही हम हेलो हाय हो जाते हैं। ये देखिए आज हम मैचिंग ब्राउन एंड ठीक है वेरी लुकिंग। यार आपको पता है जेट ऑर्डर कपड़े हैं, सहरी में पहन लिया या पहनना है, लेकिन ये ड्रेस मैंने देखा अपने वार्डरोब में। मैंने आपको एक देखा था ना, आई वाज लाइक अच्छा अब ये नहीं लेना है, ये मैंने अभी पहना है। वेरी नाइस दोस्त, जे डॉट का शुक्रिया अदा करेंगे और मेरा भी पंजनत का। आप ये देखते हैं मुझे ब्राउन कलर इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। व्हाट इज आल्सो पंजनत। हां एवरी लाइक पंजनत वाले हमेशा देते हैं बहुत अच्छे कपड़े और मुझे बहुत पसंद आते हैं पंजनत के कपड़े। दे वेरी वेल स्टिच्ड, वेरी गुड सॉफ्ट कपड़ा और द कलर्स भी फिटिंग इसलिए अच्छी कि मैंने उनको अपना लाइक मेक टू ऑर्डर वाला ना अपना साइज देके बनवाए। अभी मुझे कपड़े लेने हैं, बनवाए ना पंजनत से। आप यही सोच के पंजनाथ से लेते हैं। ओके, आज बना रहे हैं बर्गर। बर्गर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बर्गर बना रही है। अपने आपको बर्गर नहीं कहता एहसन जी? मैं यही तो मैं कह रहा हूँ बर्गर बर्गर। मैं तो हूँ ही नहीं बर्गर, मैं तो बहुत देसी पेंडू आदमी हूँ यार। आई एम बन कबाब एंड आई हैड बन कबाब yesterday। आई लव बन कबाब, स्मैश बर्गर, स्मैश बर्गर यानी। ओके वेरी नाइस। इसी तरह ही बनते हैं, इनको बनाने के बाद आप उसको पकाते वक्त स्मैश कर देते हैं, दैट्स हाउ इट्स गॉट इट्स नेम। और ये एक ऐसी रेसिपी है, अच्छे किचन में खवातीन का गुस्सा भी निकल जाएगा। कोई भी चीज को स्मैश करना, उसको तोड़ना है, मारना है, मारो कीमे को, चिकन को भी मारना था। ये आजकल मारने वाली चीज सिखा रही है। रमजान खत्म हो रहा है, आपको सब्र हल्के हल्के जो है ना खत्म हो रहा। रेसिपी कार्ड चले, रेसिपी कार्ड चलवा देते हैं। बिल्कुल रेसिपी कार्ड चलेगा। एक अदद राबिया आना, एक अदद समिया आसिम। 1 2 3 now चला दो यार खुदा का। 1 2 3 there we go जी। रेसिपी कार्ड है नमक हस्बे ज़रूरत, मायोनीज़। ये एक सेकेंड, ये शुरू से क्यों नहीं है? शुरू से क्यों नहीं? पहला वाला नहीं चलाया आपने भाई, पहला वाला चलाया। मायो 2 और केचप 2 चम्मच, गाय का गोश्त 500 ग्राम, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, चीज़ के टुकड़े हस्बे ज़रूरत, बर्गर बंस 6 अदद, सलाद पत्ता 6 पत्ते, टमाटर के स्लाइसेस 8 अदद, प्याज 1 अदद रिंग्स में कटे हुए, फ्रेंच फ्राइज हस्बे ज़रूरत और डालडा का कुकिंग ऑयल तलने के लिए। बस दैट्स इट। ओके, तो डालडा का जो कुकिंग ऑयल है यहाँ पे हमने वैसे गर्म करने रख दिया था, इसलिए हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। इसके अंदर जो है वो हम लोग अपनी पैटीज बनाएंगे, तो हल्का सा इनफैक्ट थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल कर लेते हैं। जबरदस्त, डालडा का ऑलिव ऑयल, डालडा का ऑलिव ऑयल डाल देंगे इसके अंदर। व्हाट वी ऑल यूज, यस, जहां मामता वहां डालडा। और मदर्स हु केयर यूज डालडा एंड वी केयर, वी आर द मदर्स हु रियली केयर। और ऑलिव ऑयल बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे डालडा का ऑलिव ऑयल। साथ ही साथ पाम ऑलिव के साथ हम लोग अपने किचन की सफाई मेंटेनेंस रखते हैं, अपने हाथों की मेंटेनेंस रखते हैं, क्योंकि आपकी मॉइस्चराइजेशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और साथ साथ आपकी स्किन को नरम और मुलायम भी रखता है। साथ में एक बहुत ही अच्छी खुशबू भी है। किचन की मेंटेनेंस की बात किया था, तो हमारा किचन इनफैक्ट हम लोग रोज़ बात करते हैं कि हमारा किचन साफ़ होता है लेमन मैक्स से, लेकिन शुरुआत भी लेमन मैक्स से होती है। किचन के काउंटर्स रोज़ाना साफ़ होते हैं एंड दैट इज़ बिकॉज के लेमन मैक्स लिक्विड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो 1000 लीमों की तूफ़ानी ताकत के साथ है और आपकी स्किन के और आपके बर्तन, आपके किचन काउंटर्स को भी स्क्रैच फ्री रखता है। सो नॉट जस्ट बर्तन बट आपने किचन काउंटर्स भी और सिंक भी साफ करना है। किचन के अंदर आपको हर थोड़े दिन के बाद, हफ्ते में, नॉर्मल प्रोफेशनल अगर आप किचन में काम करें तो हफ्ते में एक लाजमी पूरे किचन की डीप क्लीनिंग होती है। तो हमारे किचन की भी डीप क्लीनिंग होती है। जी, तो आज स्मैश बर्गर्स बन रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और हम ब्रेक पर जाएंगे। बिल्कुल जी, ब्रेक पे जाते हैं। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि जो बर्गर्स का एक सवाल है, जो वो ये कि बर्गर चिकन में लोग आजकल बहुत खाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बर्गर का असल जो मजा और जायका, राबे को पानी भी आ गया, बीफ बर्गर्स और वो जूसी हो। मुझे बर्गर्स ही पसंद नहीं थे, नेवर यूज्ड टू ईट बर्गर्स, बीफ बर्गर्स स्पेशली। शादी हुई तो मैंने उबैद को बताया कि आई डोंट ईट बर्गर्स। उसने कहा क्या? उसके बाद उसने एक इसको अपना ना जिंदगी का मिशन बना दिया। वो मुझे दुबई के हर बेस्ट बर्गर जॉइंट पर लेकर गया एंड नाउ आई कांट ईट एनीथिंग बट बर्गर्स। बिकॉज़ वो बीफ, अगर आप बर्गर का बीफ अच्छा हो, यहाँ आई वोंट नेम देम बट यहाँ कराची में भी कुछ जॉइंट्स, बर्गर जॉइंट्स बहुत और लाहौर में बहुत अच्छे हैं। जैसे ऑसी बर्गर, हम लोग आई लव दोस बर्गर्स एंड अ लॉट ऑफ अदर बर्गर्स। लेकिन ऑसी वाले पोटैटो बन यूज करते हैं, बिल्कुल पोटैटो बन यूज करते हैं। लेकिन वन थिंग, उन जो मैंने मुझे जो बेस्ट, इवन व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट्स लाइक कैफेज एनीवेयर, तो जो कीमा जो आप बोल रहे हैं ना, अगर वो अच्छा है तो exactly. मैं कहता हूँ 80% उसका ऐसा बेसिकली बर्गर की खासियत ही होती है कि आपकी पैटीज जो है वो जूसी हो, सूख ना जाए, पकाते वक्त पानी ना